राजस्थान और भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो एक तो कौन सा आपका अरावली है, कौन सा है अरावली है, दूसरा कौन सा है हिमालय, कौन सा है हिमालय, और एक आपकी है नोवा जेट पौने, कौन सी है जेट पौने, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। जेट पौने है, पछुआ पौने है, यानी कि पछुआ पौने है आदि, ये भारत और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये है आपके राजस्थान और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से अक्षांश है ध्यान रखना, देशांतर है, भारत की जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को, पृथ्वी की, इस विश्व की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, कौन देशांतर, अक्षांश है वो भारत की जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है वो जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा यहां देखे मरुस्थल है, अरावली है, जेट पौने है, हिमालय है, ये भारत की जलवायु को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। महाद्वीपीय स्थिति है, यहां ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हमारे अगला है एक बहुत शानदार टॉपिक है, अपन देखते हैं इसका अगला भाग, वो देखते हैं यहां आपके कोपेन का, यानी कि इसका पूरा नाम ले एक बार अपन, बहुत शानदार बंदा है, अगला है व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। इसका मुख्यतः इसका जो जलवायु वर्गीकरण है वो पृथ्वी का, पूरे विश्व का जलवायु वर्गीकरण है, बहुत फेमस है। और इस बंदे ने जब पूरी पृथ्वी की जलवायु को निर्धारित करा था तब भी इसने एक शानदार सिद्धांत दिया था, व्लादिमीर कोपेन का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वो आगे बताऊंगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसमें आता है। एक बार अपन नॉर्मल देखते हैं व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, और वो देखेगा अपने राजस्थान और भारत के संदर्भ में। इस बंदे ने भारत की जलवायु को, भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटा है। इस बंदे ने भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में, और इसके अनुसार राजस्थान की जो जलवायु है इसको, राजस्थान की जलवायु को इस बंदे ने 4 भागों में बांटा है, यानी कि व्लादिमीर कोपेन के अनुसार इन्होंने भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटा है और राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। अपन एक बार देखते हैं यहां भारत की जलवायु को कौन से 9 भागों में बांटा है, तो देखिएगा अपन देखते हैं यहां, जैसे ये हमारा प्यारा अपन देखें तो ये हमारा प्यारा भारत है। इस भारत की जलवायु को अपन थोड़ा छोटा बना देते हैं, पूरी बातें नहीं आ पाएगी। जैसे अपन देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं चलो एक बार पूरा मिटा लेता हूं, यहां एक बार देखते हैं, कि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ता है यहां। भारत की जो जलवायु है इस बंदे ने इसको 9 भागों में बांटा है। जैसे ये राजस्थान वाला इलाका है, ये आपका है BWHW,
एक है यहां बी एस एच ए डब्ल्यू, यहां पर है यहां सी डब्ल्यू जी, यहां पर है ए डब्ल्यू, एक है यहां ए एम डब्ल्यू, यहां कौन सा है ए एम डब्ल्यू आपका, एक है यहां, एक है अगला ये है ए एस जलवायु, एक यहां पर है सी डी एफ डी एफ सी डी एफ सी, यहां पर एक जलवायु है ई और एक है यहां ई टी जलवायु। व्लादिमीर पुतिन, देखो ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया लेवल पर कई बार पूछ लेते हैं भारत का जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान लेवल के एग्जामों में बहुत कम पहुंचते हैं, फिर भी मैं दो चार मिनट में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जलवायु को नौ भागों में बांटा है। पहला है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, कौन सा है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, इसमें मुख्यतः इसका बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, इसका ये बड़ा डब्ल्यू है छोटा डब्ल्यू है, इसका आपसे अर्थ नहीं पूछेंगे, अगर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देते हो कॉलेज लेक्चर के एग्जाम देते हैं फिर तो यहां बाल की कहां निकालते हैं इसके अर्थ भी पूछते हैं। एक बार नॉर्मल याद रखो, उसने कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु कैसी है, ये आपकी एक तरह से मरुस्थलीय जलवायु कैसी है मरुस्थलीय, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में आपको क्षेत्र पूछेंगे, इसमें पश्चिमी राजस्थान आता है, कौन आता है पश्चिमी राजस्थान, परंतु थोड़ा बहुत यहां महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का यहां विदर्भ क्षेत्र भी आता है, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है वो भी मरुस्थलीय जलवायु में आता है। बहुत बार पूछते हैं कि विदर्भ क्षेत्र है वो किसमें है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, एक है यहां दूसरा है बी एस एच डब्ल्यू, कौन सा है बी एस एच डब्ल्यू, इसमें अगर देखते हैं यानी अर्ध अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, इसमें पूर्वी राजस्थान है पंजाब है हरियाणा है वो क्षेत्र किसमें आता है बी एस एच डब्ल्यू में आता है। अगला देखते हैं एक आपका है सी डब्ल्यू जी, कौन सा है सी डब्ल्यू जी, बी का मतलब है शुष्क जलवायु, डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु, एच का उच्च तापमान, छोटा डब्ल्यू का शीतकाल शुष्क, शीतकाल में शुष्क है कोई वर्षा नहीं होती, अगर शीतकाल शुष्क है तो थोड़ी बहुत वर्षा होती है वो कब होती है ग्रीष्म काल में होती है। एक है बी शुष्क जलवायु, एस स्टेपी जलवायु, एच उच्च तापमान, छोटा डब्लू यानी शीतकाल शुष्क, इसमें पूर्वी राजस्थान है पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र आता है। एक है सी डब्ल्यू जी, तीसरा है सी डब्ल्यू जी, ये आपका है शीत आपका है उष्ण आर्द्र, सी का मतलब है उष्ण आर्द्र, डब्लू शीतकाल शुष्क है यानी वर्षा गर्मियों में होती है, जी वर्षा से पहले, वर्षा से पहले भयंकर यहां गर्मी पड़ती है, तो इसमें आता है आपका गंगा, गंगा तुल्य क्षेत्र, यहां वर्षा से पहले भयंकर गर्मी पड़ती है, जहां गंगा बहती है वह इसकी सहायक नदियां बहती हैं, उस क्षेत्र में कौन सी जलवायु है सी डब्ल्यू जी प्रकार की, क्या है जलवायु है किस प्रकार की है सी डब्ल्यू जी प्रकार की जलवायु है। एक है आपकी चौथी कौन सी है ए डब्ल्यू, एक का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एक का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और डब्ल्यू का मतलब है शीतकाल शुष्क यानी इसे बोलते हैं सवाना तुल्य जलवायु, क्या बोलते हैं सवाना तुल्य जलवायु, कैसी जलवायु है सवाना तुल्य जलवायु, इसमें अधिकांश पूरा दक्षिणी भारत आता है। ए डब्ल्यू में याद रखेगा कौन सा क्षेत्र आता है, एग्जाम के लिए आप सॉलिड रहेगा, इसमें केवल आपसे क्षेत्र पूछते हैं कॉन्स्टेबल लेवल के एग्जामों में, पटवार ग्राम से एक नॉर्मल पूछते हैं, तो ए डब्ल्यू है इसमें सवाना तुल्य जलवायु है। अगला है ए एम डब्ल्यू, पांचवी कौन सी है ए एम डब्ल्यू, एक का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एम का मतलब है मानसूनी जलवायु मानसून, और डब्ल्यू का मतलब है शीतकाल शुष्क, यानी कि
AMW, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। बड़ा ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो भूमध्य रेखा के पास होती है, हमेशा वर्षा होती रहती है, या भी ऐसी है। एम मानसूनी जलवायु, वर्षा मानसून में होती है, यानी आपकी 6 महीने आपके वर्षा काल में वर्षा होती है, बाकी ऋतु शुष्क रहती है। डब्लू शीतकाल शुष्क रहता है, इसका मतलब है वर्षा गर्मियों में होती है। और इसका हमेशा एग्जाम में क्षेत्र पूछते हैं, AMW प्रकार की जलवायु है वो कहां पाई जाती है। AM प्रकार की जलवायु है ये आपके जो केरल का जो मालाबार, केरल का जो मालाबार यानी कि जो तट है, केरल है, केरल के पास है, या केरल वाले क्षेत्र में, केरल राज्य में AMW प्रकार के जलवायु पाई जाती है। और एग्जाम में इससे भी ज्यादा जो मोस्ट है वो है AS जलवायु। AS जो जलवायु है ये एग्जाम में बहुत बार आती है, इंडिया लेवल में बहुत बार मैंने देखा है। AS जलवायु, एक का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और S का मतलब है यानी कि ग्रीष्म काल शुष्क। S का छोटा S है, बड़ा S नहीं है, छोटा S है, इसका मतलब है ग्रीष्म काल शुष्क, अर्थात अर्थात वर्षा शीत ऋतु में, शीतकाल में। S का मतलब होता है ग्रीष्म काल शुष्क, अर्थात वर्षा कब होगी, शीतकाल में, शीत ऋतु में होगी। और यह क्षेत्र है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु का कौन सा तट है, कौन सा क्षेत्र है, कोरोमंडल, कौन सा है, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र है, यानी तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है यहां जो वर्षा है, यहां जो वर्षा है, यहां वर्षा कब होती है, शीतकाल में होती है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि साउथ इंडिया में शीतकाल में जो वर्षा है वो कौन से राज्य में होती है, तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में आपके जून जुलाई अगस्त सितंबर वर्षा ऋतु में यहां कोई वर्षा नहीं होती है, न के बराबर होता है, क्योंकि अभी वर्षा पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा कि कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु का अधिकांश भाग है वो वृष्टि छाय प्रदेश में क्यों है, आगे चर्चा करेंगे। फिर यहां एक बार आपको समझना है कि यहां गर्मियों में वर्षा नहीं होती, यहां मानसून जब वापिस लौटता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर में जब शीतकाल में वापिस मानसून लौटता है तो उस समय इस बंगाल की खाड़ी से उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवने हैं ये यहां से आर्द्रता लेकर यहां वर्षा करती है। तो यहां कई बार पूछते AS जलवायु है वो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में पाई जाती है, AMW जलवायु है वो केरल के मालाबार तट के पास पाई जाती है। तो देखिएगा छठवीं होगी, सातवीं देखते हैं DFC। डी का मतलब है यहां आपके शीत आद्र, एफ का मतलब है आपके अधिक वर्षा, सी का मतलब है ठंडा कोल्ड। तो यहां देखें तो यहां शीत आद्र शीत ऋतु कौन सा है, इसका अर्थ है शीत आद्र शीत जलवायु, शीत आद्र शीत जलवायु, शीत आद्र शीत जलवायु है वो कहां है आपके, एक तो मुख्यतः कहां पर है, सिक्किम में, कहां पर है, सिक्किम, एक कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। मुख्यतः DFC जो जलवायु है वो कहां कहां पाई जाती है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। मुख्यतः एक तो ये ऊपर उठा हुआ भूभाग है सिक्किम है, कौन सा है, सिक्किम में, और एक इसके पास है कौन सा, अपने अरुणाचल प्रदेश में। मुख्यतः सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में शीत आद्र शीत ऋतु जलवायु पाई जाती है, अर्थात DFC प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपकी आठवीं है वो बंदा देखना वो कौन सा है, ई, ई का मतलब है यहां ध्रुवीय, ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, जिस प्रकार उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव पर साल भर वर्ष भर
हमेशा बर्फ रहती है, तो ऐसा ही भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां हमेशा बर्फ रहती है? तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है कौन सा है? हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, और लगभग आपको पता है 4200 से आपके 5800-5200 मीटर की ऊंचाई पर जो पानी है वो बर्फ में बनना शुरू हो जाता है। तो हिमालय का अधिकांश भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है, हमेशा बर्फ रहती है यहां पर पूरे वर्ष भर। जैसे महानिमालय है, ग्रेट हिमालय का अधिकांश भाग है वो पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। तो इस हिमालय क्षेत्र में जिस प्रकार ध्रुव पर हमेशा बर्फ रहती है, उसी प्रकार भारत का हिमालय का वो क्षेत्र जिसमें हमेशा बर्फ रहती है वो जलवायु कैसी है? ध्रुवीय जलवायु, ई जलवायु। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, आपका लेह लद्दाख है, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ हमेशा बर्फ रहती है, तो इसे कैसे कहते हैं? ई प्रकार की जलवायु कहते हैं। नौवीं प्रकार है वो कौन सा है? ई टी जलवायु। कैसा है? ई टी यानी कि टुंड्रा, टुंड्रा तुल्य जलवायु। टी टुंड्रा तुल्य, टुंड्रा का मतलब है कि बहुत ज्यादा बर्फ, यानी कि हिमालय के वो बहुत ऊंचे भाग है जिस पर हमेशा ही बर्फ रहती है। तो मुख्यतः यहां जो उत्तराखंड है, कौन सा है? उत्तराखंड के जो हिमालय के बहुत ऊंचे भाग है उस पर हमेशा बर्फ रहती है। उस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? टुंड्रा तुल्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार मित्रों कई बार क्वेश्चन आता है, थोड़ा हल्का सा हार्ड है, परंतु इसमें आपसे केवल केवल भारत का क्षेत्र पूछते कि व्लादिमीर कोपेन के अनुसार उन्होंने भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है और वो कौन से जलवायु है, वो कौन से भाग में है? BWHW है वो आपके पश्चिमी राजस्थान थार के मरुस्थल में है, BSHW है वो पूर्वी राजस्थान है, पंजाब हरियाणा है वहां पाई जाती है। जो मरुस्थलीय जलवायु है BWHW महाराष्ट्र के जो विदर्भ क्षेत्र है वहां भी पाई जाती है। AW जो सवाना तुल्य जलवायु है वो अधिकांश दक्षिणी भारत में पाई जाती है। आपकी CWG जलवायु है वो गंगा तुल्य जलवायु है, गंगा व इसकी सहायक नदियां जहां जहां बहती है वहां CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AMW जलवायु है वो केरल है और उसके मालाबार तट पर पाई जाती है। AS मोस्ट है, AS जलवायु जहां कोरोमंडल तट है तमिलनाडु का वहां पाई जाती है, परंतु AS जलवायु में याद रखना है यहां वर्षा हमेशा शीतकाल में होती है, ग्रीष्म काल में नहीं होती है। DFC जलवायु है शीत आद्र शीत ऋतु, वो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ई है ध्रुवीय जलवायु है, जिस प्रकार ध्रुव पर हमेशा बर्फ रहती है उसी प्रकार यहां भी हिमालय के कुछ क्षेत्रों में हमेशा बर्फ रहती है, वो ध्रुवीय जलवायु है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है वहां पाई जाती है। अगर और देखें ईटी टुंड्रा तुल्य जलवायु वो हिमालय के बहुत ऊंचे भाग है उत्तराखंड में अधिक पाए जाते हैं वहां पाई जाती है। यह है आपका भारत का कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब मित्रों बहुत ज्यादा अति मोस्ट आपका आगे चैप्टर है इसी का राजस्थान के संदर्भ में जलवायु वर्गीकरण, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, जैसे आपका है कोपेन का राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। देखो मुख्यतः यहां राजस्थान में 3 जलवायु वर्गीकरण बहुत मोस्ट, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैं चैप्टर को बहुत शानदार पढ़ाऊंगा, परंतु 90% जो संभावना है वो आपके
कौन कौन से वर्गीकरण पूछेंगे, एक तो किसका पूछेगा, कोपेन का, किसका पूछेंगे, एक तो कोपेन का, दूसरा है टीवार्थ का जलवायु वर्गीकरण और एक है थोरन थवेट का जलवायु वर्गीकरण। हमेशा बहुत ज्यादा जो 90% अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है उसकी संभावना है अगला एग्जामिनर है वो या तो कोपेन का राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण पूछेगा या टीवार्थ का जलवायु वर्गीकरण पूछेगा या थारनवेट का जलवायु वर्गीकरण पूछेगा। और मैं इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे वन बाय वन, पहले पढ़ेंगे कोपेन, फिर टीवार्थ, फिर पढ़ेंगे अपन थारनवेट। तो अपन पहला देखते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के संदर्भ में। मैंने बताया भी था कि यहां अगर यहां देखे तो इसका इसका जो वर्गीकरण का इसका वर्गीकरण का जो आधार है यहां महिला सुपरवाइजर में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था, हर एग्जाम पूछते हैं इस वर्गीकरण का जो आधार है वो आधार क्या है, वो था आपका वनस्पति, कौन सा है वनस्पति, बहुत बार पूछते हैं कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है बेस है वो कौन सा है मित्रों, वनस्पति। और वनस्पति में कौन आ गया, वर्षा, कौन आ गया, वर्षा। यानी जहां ज्यादा वनस्पति होगी संभवतः आपको पता है कि वहां अधिक वर्षा होगी, क्योंकि ज्यादा वर्षा होगी तो ज्यादा वनस्पति होगी, कम वर्षा होगी तो क्या होगी, कम वनस्पति होगी। तो मेन उसका जो आधार है वो क्या आपका वनस्पति है, वनस्पति में वर्षा भी आ जाता है क्योंकि वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति ज्यादा होगी और वर्षा कम होगी तो वनस्पति कम होगी। तो उसके वर्गीकरण का आधार क्या है, वनस्पति है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को, इसने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा, चार भागों में बांटा। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा, चार भागों में बांटा। अपन देखते एक बार चार भाग कौन कौन से हैं। तो देखिएगा अपन देखते हैं थोड़ा नक्शे में देखते हैं, ये हमारा प्यारा राजस्थान है, ये लगभग हमारा प्यारा क्या है, राजस्थान है। इस राजस्थान को कोपेन के अनुसार इन्होंने चार भागों में बांटा है, वो चार भाग कौन कौन से। इस चार भागों को समझने से पहले राजस्थान के आपको जिले जानने होंगे कि कौन सा जिला कहां पर है, क्योंकि एग्जाम में अधिकांशतः नक्शा आता है फिर वो एक दो तीन चार कर्म देकर पूछ लेता है कि जहां मैंने चार अंकित किया कोपेन के अनुसार वो कौन सा संकेत है, कौन सा जलवायु है। तो देखिएगा अपन देखते हैं एक बार, यहां देखे तो यहां कौन सा है, यहां एक जिला है कौन सा, गंगानगर, कौन सा है, गंगानगर है। यहां देखे कौन सा है आपके, गंगानगर है। यहां देखे यहां पर कौन सा है, बीकानेर है, कौन सा है, बीकानेर है। इसके नीचे कौन सा है, जैसलमेर है। जैसलमेर के नीचे कौन सा है, बाड़मेर है। बाड़मेर के नीचे कौन सा है, जालोर है। जालोर के नीचे कौन सा है, सिरोही है। सिरोही के ऊपर कौन सा, यहां पर है उदयपुर है, कौन सा है, यहां अगर देखे तो यहां यहां पर उदयपुर है, इसके ऊपर राज संबंध है। उदयपुर नीचे पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, यहां बांसवाड़ा है, इसके ऊपर प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर यहां चित्तौड़ है, चित्तौड़ के ऊपर यहां भीलवाड़ा है, यहां ऊपर देखे बूंदी है, यहां झालावाड़ है, यहां झालावाड़ है। झालावाड़ के सामने देखे तो यहां बारा है, ये मोड़ है वो किसका है,
सवाई माधोपुर का है, इसके ऊपर करौली है, यहाँ अगर देखे धौलपुर है, धौलपुर के ऊपर यहाँ भरतपुर है, भरतपुर के ऊपर देखे तो यहाँ अलवर है, अलवर के यहाँ देखे तो चूरू है, यहाँ हमारा प्यारा हनुमानगढ़ है, यहाँ चूरू के अगर देखे नीचे तो यहाँ देखे नागौर है, कौन सा है, नागौर है, यहाँ नागौर के नीचे देखते हैं तो यहाँ थोड़ा अजमेर है, यहाँ जोधपुर है, यहाँ हमारा प्यारा सीकर है, सीकर के नीचे जयपुर है, जयपुर में दक्षिण की ओर टोंक है, टोंक के पूर्व में जयपुर के पूर्व की ओर दौसा है, कौन सा है, दौसा। तो इस प्रकार यहाँ राजस्थान के ये 33 जिले बसे हुए हैं, कोपेन का, टीवार्त का और थारनवेट का। अगर जलवायु वर्गीकरण से क्वेश्चन करना है तो आपको 33 जिलों का पता होना ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ अपन देखते हैं, इसमें देखते हैं देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखते हैं, उसमें अपन देखते हैं जैसे ये हमारा प्यारा प्यारा राजस्थान है, इस राजस्थान को कोपेन के अनुसार कोपेन ने संकेत काम में लिए थे, तो यहां अगर देखते हैं तो यहां ये जो भूभाग है, ये जो भूभाग क्षेत्र है, ये आपका है BWHW, दूसरा है यहाँ, अगर यहाँ देखे तो ये पर है आपका BSHW, यहाँ देखे यहाँ जो क्षेत्र है ये है आपका है CWG, चौथा है ये है AW, कौन सा है AW, ये है आपका AW है, AW, ये भी क्या है आपका AW है। तो पहला तो कौन सा है BWHW, दूसरा है BSHW, तीसरा है CWG और चौथा है आपका AW। इस प्रकार यहां वो क्रम देगा 1 2 3 4, फिर कई बार पूछ लेता है, आपकी बार फर्स्ट ग्रेड में प्रथम पेपर में पूछ भी लिया था कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में जो AW प्रकार की जलवायु है उसमें कौन सा जिला नहीं आता है या कौन सा जिला आता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने जो लाइनें खींची है वो ऐसे यहां से उठाया क्वेश्चन को, जैसे यहां देखे इसमें अगर देखे तो यहां ये क्षेत्र है पहला BWHW में, यहां देखे सिरोही के ऊपर से लेके यहां यहां सीकर और यहां आपका रह गया कौन सा झुंझुनू, कौन सा है झुंझुनू, झुंझुनू रह गया यहां तक, झुंझुनू तक ये कौन सा है दूसरा प्रकार का है यानी कि BSHW है, तीसरा प्रकार का है ये देखिए अपन यहां उदयपुर चित्तौड़ का भाग लेके यहाँ ये जो क्षेत्र है ये किस में आता है आपके तीसरा प्रकार का है, ये क्या है आपका CWG और चौथा ये जो भूभाग है ये किस में आ गया आपका AW में, चौथा किस में आ गया ये चार नंबर AW में। तो यहाँ देख के बी का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु, कैसा है मरुस्थलीय जलवायु, बी का है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु है बी है, इस बी को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बांटा गया है एस में और एक बांटा गया है बड़े डब्लू में, एस का मतलब है स्टेपी, कौन सा है स्टेपी वनस्पति,
कौन सा है? स्टेपी वनस्पति, और डब्लू का मतलब है आपकी मरुस्थलीय जलवायु। स्टेपी जलवायु और ये कौन से? मरुस्थलीय जलवायु। तो बी शुष्क है, बड़ा डब्लू मरुस्थलीय है, एच उच्च तापमान है, डब्लू छोटा डब्लू है, इसका मतलब है कि शीतकाल शुष्क रहेगा, मतलब वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी। इसमें बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में कौन कौन आता है? जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये मुख्यतः ये क्षेत्र अधिक आते हैं, और इसमें जो वर्षा है, इसमें जो वर्षा है वो वर्षा होती है लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उच्च तापमान रहता है, 48-50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। वनस्पति है आपकी, यहाँ की जो वनस्पति है वो मरुद्भिद है। कैसी है? मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की जो मृदा है वो कौन सी है? एंटीसोल, एंटीसोल्स प्रकार की मिट्टी है। और आपको याद रखना, जब मिट्टी पढ़ाऊंगा, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की मिट्टी को चार भागों, वो पांच भागों में बांटा गया है, एंटीसोल, एरिडिसोल, एल्पीसोल्स, इंसेप्टीसोल्स और वर्टीसोल्स। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में एंटीसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा है? एंटीसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो यहां वर्षा है 10 से 20 सेंटीमीटर है, वनस्पति मरुद्भिद कटीली झाड़ियां पाई जाती है, मृदा एंटीसोल्स है, अभी मरुस्थलीय मृदा है, क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर है। याद रखना, इसमें जो प्रतिनिधि प्रतिनिधि जो नगर है वो कौन सा है? प्रतिनिधि नगर कौन सा है? बीकानेर। इसका मेन जो प्रतिनिधि नगर है वो कौन सा है? बीकानेर है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, इसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, इसका नाम दे देता हूं मैं आपको, उष्ण उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, इसमें क्षेत्र आता है। दूसरा है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी का मतलब है शुष्क जलवायु, बड़ा डब्लू का मतलब है मरुस्थलीय जल मरुस्थल, एच का उच्च तापमान, छोटा डब्लू का है कि शीतकाल शुष्क रहता है, वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। यह बात कौन संकेत करता है? छोटा डब्लू संकेत करता है। तो यहां यहां की छोटा डब्लू संकेत करता है। तो यहां की पहली बात तो इसमें अगर क्षेत्रफल देखे, कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर है, जालोर है, अजमेर है, जोधपुर है, नागौर है, आपका चूरू है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, ये सीकर है, ये क्षेत्र है, इसमें आते हैं आपके बी एस एच डब्ल्यू, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु। कैसा है? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? आजकल ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें आता है आपका जोधपुर, नागौर, आपके जालोर, दक्षिणी व पूर्वी बाड़मेर, इधर सेकावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़, ये क्षेत्र किसमें आते हैं? बी एस एस डब्ल्यू में आते हैं। इनका इनका प्रतिनिधि प्रतिनिधि जो नगर है वो कौन सा है? नागौर है। कौन सा है? नागौर। इसका प्रतिनिधि जो नगर है वो कौन सा है? नागौर है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। कौन सा है प्रतिनिधि नगर? कौन सा है? नागौर। यहां यहां आपके स्टेपी प्रकार की स्टेपी, यहां अगर देखें, यहां
यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी स्टेपी तुल्य जलवायु है, स्टेपी तुल्य प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, आपकी बीएसएचडब्ल्यू में, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। इसका जो तीसरा भाग है, यहां अगर मिट्टी देखे तो यहां एंटी सोल्स है, यहां आपकी मुख्यतः मिट्टी है वो एलपी सोल्स है पाई जाती है यहां पर। तीसरी है सीडब्ल्यूजी, कौन सा है सीडब्ल्यूजी, तीसरा प्रकार है सीडब्ल्यूजी। सीडब्ल्यूजी प्रकार की जलवायु है, इसका नाम है उष्णकटिबंधीय या उप आदर जलवायु प्रदेश, उप आदर जलवायु प्रदेश। सीडब्ल्यूजी का मतलब है उप आदर जलवायु प्रदेश, उप आदर जलवायु प्रदेश है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र है, देखो बड़ा सी का मतलब होता है अगर पूरी पृथ्वी का, कोपेन साहब ने पूरी पृथ्वी के लिए 5 जलवायु प्रदेश बांटे थे, पूरी पृथ्वी को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। 5 जलवायु प्रदेश कौन सा था, ए बी सी डी और ई। ए है उष्ण कटिबंधीय आदर जलवायु, बी है शुष्क जलवायु, सी है आपके उष्ण और आदर जलवायु, डी है शीत आदर जलवायु और ई है ध्रुवीय जलवायु। तो उसमें सी का मतलब है आपके उष्ण आदर जलवायु, छोटा डब्ल्यू है इसका मतलब है, ये कहता है कि वर्षा, कई बार नाम ले चुका हूं, वर्षा शीत काल में नहीं होती है, वर्षा ग्रीष्म काल में होगी। जी है आपका बताती है। तो उप आदर जलवायु प्रदेश है, इसे सी डब्ल्यू जी कहते हैं। अब इसमें आजकल जो ट्रेंड चल चुका है एग्जाम में, पूछते कि सी डब्ल्यू जी में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है, तो देखिएगा नक्शे में आपका सिरोही है, उत्तरी मुख्यतः उदयपुर है, उत्तरी चित्तौड़ है, राजसमंद है, दक्षिणी अजमेर है, पूर्वी अजमेर है, टोंक है, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, यहां तक का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, उप आदर जलवायु प्रदेश में। यहां जो वर्षा होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर होती है, 40 से 60 यहां जो वर्षा है वो कितनी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, यहां वर्षा मुख्यतः 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो जिले आते हैं वो देखिएगा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अधिकांश अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक और मत्स्य प्रदेश, अर्थात अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा आपका सवाई माधोपुर इसमें आता है। किसमें आता है, सी डब्ल्यू जी में आता है। इस सी डब्ल्यू जी का जो प्रतिनिधि जिला है, सी डब्ल्यू जी का प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा है, सी डब्ल्यू जी का प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है, यहां टोंक है, कौन सा है, टोंक। तो मित्रों आपको बता दूं, मेरा जो नाम है वो यहां सुरेश मावलिया बाई भूगोल, सुरेश मावलिया बाई भूगोल में लगभग मुख्यतः 2010 से मैंने टीचिंग की शुरुआत करवाई थी, और शुरुआत में 2010 से ही मैंने यहाँ कोचिंग संस्थानों में कदम रखा था, तब से लेके 2020 तक लगातार कोचिंग संस्थानों में मैं सेवा देता रहा हूँ। मेरा ज्योग्राफी में लंबा अनुभव है, मैं ज्योग्राफी से यहाँ नेट सेट हूँ, और बढ़िया जहाँ तक मेरी कृपा, भगवान की कृपा रही है, मैं लगभग मुख्यतः टीचरों के एग्जाम में ज़्यादा पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैटर को हल्का सा
ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जहां से टीचर है पढ़ाना बंद करता है, स्टूडेंट पढ़ाना बंद करता है, वहां से तो पेपर बनना शुरू होता है। वास्तविक बात है यहां लगभग तो कॉपी पेस्ट होता है, यहां बिल्कुल विशेषज्ञ नहीं होते, रट रटा के कई बार क्वेश्चन को पढ़ा देते हैं टॉपिक को, तो उससे ज्यादा अपन को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सब्जेक्ट का विषय विशेषज्ञ ही इसको बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, माइंड कोचिंग संस्थान में मैंने यहाँ लंबा कार्यकाल मेरा रहा हुआ है, सीकर के अधिकांश कोचिंगों में मैंने सेवाएं दे रहा हूँ, प्रजेंट में संस्थानों में सीकर के छोटे छोटे संस्थान हैं, आपके कस्बे हैं, रिंगस है, श्री माधोपुर है, राणौली क्षेत्र है, यहाँ भी मैंने शुरुआती अध्ययन करवाई थी। तो अपन एक बार देख लेते हैं जो CWG प्रकार की जलवायु है वो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इसमें इसका जो प्रतिनिधि, इसका प्रतिनिधि जो नगर है वो कौन सा है, प्रतिनिधि नगर कौन सा है, टोंक है। मित्रों कौन सा है, टोंक है। ये है आपका कौन सा, CWG। इसमें जो मर्दा है, इसमें जो मिट्टी है, इसके अगर मिट्टी की बात करूं, इसमें जो यहां मिट्टी है मर्दा है वो कौन कौन सी है, एक तो है इनसेप्टिसोल्स, कौन से इनसेप्टिसोल्स है, एक कौन सी है एल्पिसोल्स है, एंटीसोल्स है, एल्पिसोल्स है, और एक है एरिडिसोल्स। तो मुख्यतः एल्पिसोल्स प्रकार की यहां दो मर्दा ज्यादा पाई जाती है, मर्दा इनसेप्टिसोल्स और एल्पिसोल्स है। चौथा लास्ट हमारा वर्गीकरण है कोपेन का, वो कौन सा है, AW जलवायु प्रदेश। AW जलवायु प्रदेश है, इसका नाम है उष्ण, आपका उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आदर आदर जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आदर जलवायु प्रदेश है। ए है, एक का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आदर जलवायु, डब्लू का मतलब है छोटा डब्लू है, यानी शीतकाल में वर्षा नहीं होगी, वर्षा जब भी होगी यहां पर है, यहां ग्रीष्म काल में होगी। और इसे इसे क्या कहते हैं, यहां सवाना सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, इसे सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। AW है, इसमें अब की बार फर्स्ट ग्रेड से क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा जिला कोपेन के AW जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। तो देखिएगा AW जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए आपका दक्षिणी पूर्वी उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, दक्षिणी चित्तौड़ है, झालावाड़ है, और बारा है। बारा, झालावाड़, दक्षिणी चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये अधिकांश क्षेत्र इसके वो उष्ण कटिबंधीय आदर जलवायु प्रदेश में आते हैं। याद हो गया होगा बूंदी नहीं आता है, आपकी बार ऑप्शन था कि क्या बूंदी आता है, क्या इसमें कोटा बूंदी तो इस CWG में आते हैं, उप आदर जलवायु प्रदेश में आते हैं। यहां अगर मैं बात करूं, बात एक ही है, यहां जो बात करूं तो वर्षा है, यहां वर्षा होती है वो 80 से लगभग 100 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लगभग होते हैं एवरेज 80 से 100 सेंटीमीटर यहां वर्षा होती है। इसका अगर क्षेत्र देखने के बाद में अगर मर्दा देखें तो ये मर्दा राजस्थान का, ये झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, ये देखो यहां पर कोटा है, कौन सा है, कोटा, कोटा है, ये बूंदी है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इसे हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। और इस कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में, हाड़ौती प्रदेश में, यहां एक मिट्टी पाई जाती है, वह है काली मृदा, कौन सी है, काली मृदा, कौन सी मृदा है यहां पर, काली मृदा। और काली मृदा को क्या कहते हैं, वर्टिसोल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिसोल्स है। इस मिट्टी को क्या कहते हैं, वर्टिसोल्स, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है,
मिट्टी में पढ़ाऊंगा अलग से कि वर्टी सोल्स मिट्टी कहां पर है, हाड़ौती प्रदेश में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। तो यहां वर्टी सोल्स है, यहां लाल लोमी, यहां अन्य मर्दा देखे, यहां अन्य मर्दा देखे तो कैसी है, लाल है, लोमी है, लाल लोमी मर्दा है, लाल लोमी मर्दा डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आपकी बार क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में कि लाल लोमी मर्दा कहां पर जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। और एक यहां मिश्रित लाल काली मर्दा भी पाई जाती है, यहां मिश्रित लाल काली मर्दा भी पाई जाती है। इसका प्रतिनिधि, इसका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जो नगर है वो कौन सा है, सो द्वीपों का। यहां प्रतिनिधि जो नगर है वो सो द्वीपों का शहर कौन सा है, बांसवाड़ा। सो द्वीपों का शहर जिला बांसवाड़ा है। ये उष्ण कटिबंधीय आदर जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। यहां इस प्रकार की मुख्यतः जलवायु पाई जाती है। यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहां सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इसमें देखें आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सम जलवायु, लगभग सम जलवायु है वो कहां पाई जाती है, या कि यहां सम जलवायु, सम जलवायु है वो कौन से प्रदेश में पाई जाती है। सी डब्ल्यू जी है जो क्षेत्र है, उप आदर जलवायु प्रदेश है, ये राजस्थान का सम जलवायु प्रदेश है। वनस्पति के आधार पर, इनका जो आधार था वनस्पति था, वनस्पति के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार वनस्पति के आधार पर सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, आपका सी डब्ल्यू जी। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु जो प्रदेश है वो कौन सा है, सी डब्ल्यू जी है। कौन सा है, सी डब्ल्यू जी। दूसरी बात, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, ए डब्ल्यू है। कौन सा है, ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। तो मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण एक वर्गीकरण है कोपेन का, भारत का वर्गीकरण से भी ज्यादा मोस्ट एग्जाम में बहुत बार आता है। व्लादिमीर कोपेन ने जो ये वर्गीकरण दिया था वो 1918 में दिया था, फिर संशोधन टाइम टाइम पर इसने किया था, 1920 में किया था, 1936 में भी इसने अपने सिद्धांत में 48 में संशोधन किया था, वो अलग बात है। व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा है। अगला बाकायदा नक्शा देगा, इस नक्शे में आपको ये जिले ध्यान में रखने हैं, ये एक नंबर दे देगा, यहां दो दे देगा, यहां तीन, यहां चार लिख देगा कि यहां तो तीन अंकित है, यहां किस प्रकार की जलवायु है, जो तीन अंकित है यहां किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आपको बता देगा कि यहां कौन से प्रकार की जलवायु है, सी डब्ल्यू जी। और ध्यान रखिएगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कॉन्स्टेबल लेवल तक, टीचरों की कह नहीं सकता, टीचरों में थोड़ा इसका लेवल होता है, वह मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, टीचरों के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो यहां अगर एवरेज देखे, कांस्टेबल है, पटवार है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, यहां पर्याप्त, बहुत बार पूछते हैं कि सी डब्ल्यू जी प्रकार की जलवायु कहां पर है, तो अंकित देके पूछ सकता है, एक दो तीन चार जिला पूछ सकता है, प्रतिनिधि नगर पूछ सकता है, वर्षा पूछ सकता है, और यहां इसके बारे में पूछ सकता है। तो यह है मित्रों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोई दिक्कत नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़ा देंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ा देंगे, परंतु ध्यान से पढ़े, मानसिक रूप से स्वस्थ होकर पढ़े, आज बड़ी बात है, शारीरिक रूप से सब स्वस्थ है, मोटे ताजे दिखाई देते हैं, परंतु हर आदमी आज मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अपन लाइव देख रहे हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, अपन कोई भी अध्ययन करें, किताब सामने है, अपना आपका फोन सामने है, देख रहे हैं, परंतु हमारे दिमाग में कुछ और ही चलता है, काना पढ़ेगा, काना के दिमाग में तो गोपियां चलती रहती है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत बड़ी बात है। हाल ही में जीता जागता एक
भारत के लिए क्षति भी है बहुत बड़ी। सुशांत सिंह राजपूत है, एक बहुत बड़े एक्टर है, बहुत बड़े अभिनेता, बहुत बड़े पैसे वाले, सब सुख लेने के बावजूद भी मेंटली अपसेंट होके अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया, जो मेंटली मानसिकता पर छिछोरे नामक फिल्म भी बनी थी। तो मित्रों जब भी पढ़ो मानसिक रूप से स्वस्थ होकर पढ़ो। एग्जाम में भी देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव लेकर पढ़ते हैं, तनाव लेकर पेपर देने चले जाते हैं। एक दिन आपको बताऊंगा पेपर कैसे करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, पेपर का तरीका क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। गारंटेड है आपको 99.99% सफलता उनसे मिलेगी। पेपर देना भी बहुत बड़ी बात, पेपर को समझना, एक दिन बताऊंगा आपको, बताऊंगा कि किस प्रकार पेपर देते हैं। अब अगला अपन एक वर्गीकरण पढ़ते हैं, वो देखते हैं, वो है आपका टीवार्त का, टीवार्त का जलवायु वर्गीकरण। इन्होंने भी राजस्थान को, राजस्थान की जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा है। टीवार्त ने भी राजस्थान की जलवायु को चार भागों में बांटा है, परंतु कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोपिन का याद है तो थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन करना है, बाकी सेम टू सेम यही है आपका टीवार्त का। टीवार्त का जो जलवायु वर्गीकरण है इसका टीवार्त का जलवायु का वर्गीकरण का जो आधार है वो कौन सा है, वनस्पति। वनस्पति में कौन आता है, वर्षा भी आती है। कई बार पूछ लेते हैं टीवार्त की जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, वनस्पति है। कोपेन का भी वनस्पति था, इसका भी क्या है, वनस्पति है, वर्षा है, इसका वर्गीकरण का आधार। इसने चार भागों में बांटा है और ABCD को संकेत के रूप में काम में लिया है। तो देखिए यहां अपन एक बार देखते हैं, ये हमारा प्यारा, ये हमारा प्यारा राजस्थान, देखिएगा ये हमारा प्यारा राजस्थान है, लगभग वैसा तो नहीं कह सकते, लगभग ऐसा ही है हमारा प्यारा राजस्थान। एक दूसरा इधर बनाते हैं, वो है आपका ये हमारा प्यारा राजस्थान है। इसमें एक बार में फिर जिले भर देता हूँ, ध्यान रखना राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान का स्थिति विस्तार, कितने जिले हैं, कहाँ पर है, ये तो हमें आना ही चाहिए, जीवन में वैसे भी खूब काम आता है। तो देखिए यहाँ अपन देखते हैं, यहाँ को पता है कौन सा है, गंगानगर, कौन सा है, गंगानगर। यहाँ कौन सा है, हनुमानगढ़। यहाँ कौन सा है, चूरू। यहाँ कौन सा है, नागौर। यहाँ कौन सा है, नागौर है। यहाँ कौन सा है, यहाँ पर है अजमेर है। यहाँ कौन सा है, भीलवाड़ा। कौन सा है, भीलवाड़ा। यहाँ देखिए तो ये हमारा प्यारा बीकानेर है, यहाँ देखते हैं जैसलमेर है, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर है, बाड़मेर के नीचे कौन सा है, जालौर है, जालौर के नीचे सिरोही है, यहाँ उदयपुर है, यहाँ राजसमंद है, यहाँ झीलों की नगरी है, राजस्थान का कश्मीर है उदयपुर, यहाँ पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, कौन सा है, डूंगरपुर। यहाँ 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, यहाँ राजस्थान का कांठल प्रतापगढ़ है, यहाँ हमारा प्यारा चित्तौड़ है, पीलवाड़ा है, यहाँ देखे कोटा है, कौन सा है, यहाँ कोटा है, ऐसे कुछ कोटा है, यहाँ झालावाड़ है, यहाँ देखे तो यहाँ
12 है, ये मोड़ सवाई माधोपुर वाला है, ये करौली है, यहाँ पर धौलपुर है, यहाँ भरतपुर है, भरतपुर से ऊपर अलवर है, यहाँ झुंझुनू है, यहाँ सीकर है, ये नागौर वाला इलाका है, सीकर, सीकर नीचे जयपुर है, जयपुर में देखते हैं आगे नीचे दक्षिण की ओर टोंक है, यहाँ दौसा है, कौन सा है, दौसा है, यहाँ जोधपुर है, कौन सा है, जोधपुर। इस प्रकार यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, ये जिले बसे हुए। अब आगे देखते हैं, इन्होंने भी, टीवार्थ ने भी संकेतिका में लिए हैं, तो देखते हैं इनके अनुसार। यहां देखें तो इसका ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, BSH, सॉरी ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये जो क्षेत्र है वह है BWH, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, BSH, यहाँ ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, AW, कौन सा है, AW, यहाँ कौन सा है, CWG, कौन सा है, ये जो क्षेत्र है ये आपका है CAW, कौन सा है, CAW, यहाँ अपन देखते हैं BWH है, BSH है, AW है, CAW, एक बार आप ये उतार लो, देखते हैं अपन, अब यहां देखते हैं तो सीधा सा समझ लो ये लगभग वही है, केवल संकेत थोड़ा सा अलग बदला है और बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे, देखिएगा इतना बोलते हैं। तो यहां ये जो क्षेत्र है एक बार मैं कर देता हूं क्लास को, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया।